आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्स ओरिजिनली पहले से नहीं था, ये वर्ड जो है फ्लूइड मैकेनिक्स से लिया गया है। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लक्स था पहले। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लक्स का मतलब है कि एक सेकेंड में कितना, मतलब जो लिक्विड मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर बहता है, चाहे आप वॉल्यूम ले लीजिए पर सेकेंड या आप मास लीजिए पर सेकेंड, मास लीजिएगा तो मास फ्लक्स कहलाएगा। तो मान लीजिए कोई एरिया ए है और भी वेलोसिटी से लिक्विड कोई बह रहा है, मान लीजिए नदी है, शांत नदी जो बह रही है बिना उछाल के, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मान लीजिए एरिया ए है, ये मान लीजिए एरिया ए है और लिक्विड बह रहा है एकदम इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। हम इसको एकदम परपेंडिकुलर रखेंगे वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा लिक्विड जो है इस होके निकल रहा है, लेकिन जब हम इसको थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, देखिए आप ठीक से टेढ़ा कर देते हैं, तो निकलने वाला लिक्विड का वॉल्यूम या मास कम होगा। और उसके बाद अगर हम ये एंगल बढ़ाते चले घटते जाएगा लिक्विड पार करने वाला लिक्विड, और जब एकदम ये हॉरिजेंटल हो जाएगा तो एक बूंद भी लिक्विड इस होके नहीं बहेगा। जो लिक्विड है वो ऊपर से या नीचे से बहेगा, क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए ए है, वह वेक्टर की तरह व्यवहार करता है, वेक्टर की तरह बिहेव करता है। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो यही ये एरिया हुआ मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन, डायरेक्शन होता है इसी एरिया के प्लेन पर जो बाहर की ओर परपेंडिकुलर है वह होता है। तो जब ये इस तरह से पड़ा हुआ है तो इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन और इस पर परपेंडिकुलर एरिया का जो वेक्टर डायरेक्शन है वो दोनों एक ही दिशा में है। और हम उस समय में लिखते हैं वॉल्यूम फ्लक्स इक्वल टू वी इंटू, मान लीजिए एरिया ए है तो ए, ये एरिया ए है, और अगर मान लीजिए मैं उस एरिया को थीटा एंगल से घुमा देता हूँ तो एरिया वेक्टर भी थीटा एंगल वेलोसिटी के डायरेक्शन से बनाता है। और उस समय जो है वॉल्यूम फ्लक्स क्या हो जाएगा, उस समय वॉल्यूम फ्लक्स हो जाएगा वी ए कॉस थीटा। इसका मतलब है कि हमारा प्लेन एरिया जो है वो वेक्टर की तरह व्यवहार करता है, इसको याद रखिए। और अब आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चीज बहता नहीं है लिक्विड टाइप का, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरता है कोई एरिया होकर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई ई हम लिखेंगे वो लिखेंगे वी के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे,
और एरिया के बदले तो एरिया लिखेंगे, और जब ये एरिया थीटा एंगल से घूम जाएगा यानी इस एरिया पर का परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाने लगेगा, तो उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। इसको ई भी आपको वेक्टर, ए भी वेक्टर, और थीटा जो है ई और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। इसका मतलब है कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो इससे ये भी पता चलता है कि फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है यानी स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ये तो हुआ कि जब हमारा एरिया प्लेन हो और या तो डायरेक्टली सीधा हो परपेंडिकुलर, या मान लीजिए टेढ़ा हो थीटा एंगल से, तो हम लोग डायरेक्टली इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं इस फार्मूला में डाल करके। लेकिन हमको तो जनरल फार्मूला डेवलप करना है, तो जनरल फार्मूला का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी तरह का कर्व्ड सरफेस ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैं एक फोटो बनाता हूँ एक कर्व्ड सरफेस का, ये देखिए, ये कैसा कर्व्ड सरफेस है, ऐसा टाइप का झुका हुआ है। लेकिन इसका तो हर एक जगह पर अलग अलग मतलब नॉर्मल होगा, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है। आ हमको इस फार्मूला में डालने के लिए चाहिए प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया कैसे बनाएंगे, तो इसको बहुत सारे छोटे छोटे एरिया में हम बांट देते हैं। आप ये देखिए पूरा इसको मैं छोटे छोटे एरिया में बांट देते हैं, ये देखिए, ये देखिए बांट देते हैं, और मान लेते हैं कि सभी एरिया जो है सपोज डी एस है, इस बार डी एस, एस मीन्स सरफेस एरिया, और डी एस मीन्स वह छोटा डिफरेंशियल एरिया जिसमें पूरा कर्व्ड सरफेस को बांटा गया है। तो मान लीजिए कि ये एरिया हम एक ठो चुनते हैं, तो ये एरिया का मैग्नीट्यूड होगा डी एस, और ये छोटा एरिया जो है बांट क्यों दिए, तो वह छोटा एरिया एकदम प्लेन टाइप का बिहेव करता है, वह छोटा एरिया, क्योंकि हमको प्लेन वाले एरिया पर ही लगाना है ये फोटो। तो मान लीजिए इस प्लेन पर बाहर की ओर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, और उसका वेक्टर डी एस मतलब द्वारा उसको दिखाएंगे। कहने का मतलब डी एस जो है ये एरिया है, और वो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का जो इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह का इस एरिया में है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जाए, जिसमें कि ये मेरा सरफेस दिया हुआ है, और इस एलिमेंट होके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगा वह डी एस वेक्टर से मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है, थीटा एंगल, तो निश्चित तौर पर
इस हो के निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा डीएस एरिया से, मान लीजिए कि वो डी फाई ई होता है, तो उसी फॉर्मूला में डालिए ई डी एस कॉस थीटा। इतना फ्लक्स जो है इस छोटे डीएस एरिया से निकल रहा है, तो टोटल एरिया से कितना होगा, तो सारे डीएस को सारे डी फाई को हम जोड़ देंगे। कैलकुलस में इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी टोटल फाई होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई। और यहाँ एस लिख दीजिए, एस लिखने का मतलब सरफेस इंटीग्रल लेना है हमको, सरफेस इंटीग्रल लेना है, तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। और ये देखिए, इसको वेक्टर फॉर्म में हम अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख दीजिए, यानी सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, तो हमारा फॉर्मूला आया फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। तो टोटल मेरा ई जो कर्व्ड सरफेस था उस होके कितना फ्लक्स निकल रहा है वो हमको निकल जाएगा। एक चीज ध्यान में दीजिए, ये तो ओपन सरफेस है, अगर ये पूरा क्लोज्ड सरफेस रहता तब क्या करते हम, कैसे लिखते फाई को, फाई इक्वल टू ये जो सरफेस इंटीग्रल है उस पर एक रिंग डाल दीजिए, इसका मतलब कि यह टोटल जो है क्लोज्ड सरफेस पर इंटीग्रेशन लिया गया है, तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा ओपन सरफेस के लिए ये फॉर्मूला और क्लोज्ड सरफेस के लिए ये फॉर्मूला। तो ये हमारा हो गया कि फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अब एक बात देखिए, एक चीज तो मैंने देख लिया कि फ्लक्स जो है वो स्केलर होता है। नंबर टू, फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट होगा। देखिए एसआई यूनिट जो फ्लक्स का होगा वह बराबर होगा, फॉर्मूला से लीजिए, ई का होता है न्यूटन पर कूलम और डीएस मैंने एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और तीसरा चीज फ्लक्स का आप ये डायमेंशन डालिए, इससे लीजिए डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फ्लक्स ऐसे लिख दीजिए फाई को बिग ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, यानी हम डायमेंशन लिख रहे हैं। तो न्यूटन का होता है एम एल टी टू डी पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय कूलम का ए टी, ए मैंने एम्पियर करेंट इनटू टाइम, और मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर इक्वल टू ये सुलझा के लिख दीजिए एम एल क्यू टी टू डी पावर माइनस टू ए टू डी पावर माइनस वन। तो आपने देख लिया कि ये तीनों प्रॉपर्टी फ्लक्स का हम जान गए, समझे ना। इस तरह हम जो एक्सप्लेन किए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो को एक नहीं तो दो बार में मतलब देखिए, तीन बार देखिए और अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट प्राप्त कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ हो तो आप इसे लाइक कर दें, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बजा दें, साथ ही साथ
हम कहते हैं कि आपको व्हाट्सएप या और तरह से इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि गांव देहात या शहर में भी गरीब बच्चे जो हैं वो ट्यूशन कोचिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको कॉन्सेप्ट बन नहीं पाता है। ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, थैंक्स।